गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 14.4 कंप्लीट कर ली है और आज हम 14.4 एक्सरसाइज देखते हैं क्या है। आज हमारे पास आ जाते हैं मीन, मीडियन, मोड। मीन, मीडियन, मोड आज हम पढ़ेंगे। मीन क्या है, मीन के बारे में, मीडियन क्या है, मीडियन के बारे में, और मोड क्या है, मोड के बारे में। ये तीन चीज़ों के बारे में आज हम इस एक्सरसाइज के अंदर सीखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स वर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेस। 10 मैचेस की सीरीज में गोल है 2, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। 10 मैचेस के गोल दे रखे हैं। पहले मैच के अंदर 2 गोल 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3। हमें निकालना, फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ दी स्कोर। मीन, मीडियन और मोड बताने हैं। तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेते हैं, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, राइट इन राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमने क्या कर दिया, इसको राइट कर दिया, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले सबसे छोटा असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, लोएस्ट, फिर ग्रेटर, 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 लास्ट में सबसे पहले सबसे छोटा। सबसे लोएस्ट में क्या आएगा मैथ्स में, 0, इसके अकॉर्डिंग, अदरवाइज तो माइनस के होते हैं। 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 है, 1, 2, 3, 4, उसके बाद 4, फिर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 मैचेस के गोल दिए हुए हैं, वो हमने निकाल लिए। अब क्या बेटा, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, तो मीन निकालना है। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखिए, ऑब्जर्वेशन ये है बेटा, ऑब्जर्वेशन में क्या आया, 0 + 1 + 2 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 4 + 4 + 5 बाय में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पहले दिया 10 मैचेस का, तो ऐड करेंगे 1 + 2, 3, 3 + 3, 6 + 3, 9 + 3, 12 + 3, 15 + 4, 19 + 4, 23 + 5, 28 / 10 यानी कि 2.8। मीडियन, मीडियन को समझो, मीडियन क्या, मीडियन के लिए दो बातें हैं बेटा, मीडियन के लिए, मीडियन अगर नंबर ऑफ टर्म ओड है, नंबर ऑफ टर्म ओड है, तो मीडियन क्या होता है, n + 1/2 टर्म जब n इज ओड। अभी बताता हूं मैं आपको मीडियन, इसके बारे में अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं। n by 2th and n by 2th + 1th term। अभी बताता हूँ मैं अभी आपको, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मीडियन के बारे में ये दो चीज़ें क्लियर कर ली, नंबर ऑफ टर्म ओड है या इवन है। अगर ओड है बेटा, जैसे ये टर्म यहाँ पे 10 है, यहाँ पे तो इवन है, इवन में ये चीज़ लगेगी, ओड है तो नंबर ऑफ टर्म गिनेंगे, नंबर ऑफ टर्म गिन लिए हमने, ओड है, पता लग जाएगा हमें ओड है या इवन है। ओड इवन क्या होता है, इवन होता है डिविजिबल बाय 2, इवन। ओड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड होता है वो इवन होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ओड होता है। तो नंबर ऑफ टर्म ओड है तो नॉर्मल सी बात है, जैसे मान लो 5 है तो 5 + 1, 5 + 1, 6, 6 / 2 थर्ड टर्म, इसके अंदर से थर्ड टर्म निकाल लेंगे, थर्ड टर्म कौन सी, वो मीडियन होगी। क्लियर हुई बात। नंबर दो, जब इवन है तो इवन के बारे में मैं यहाँ क्लियर करवाता हूँ, इवन के बारे में यहाँ क्लियर करवाता हूँ। तो यहाँ क्या होएगा, मैंने क्या लिखा है, मीन ऑफ n/2th टर्म। n क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्म 10, जो क्या है इवन, यानी कि यहाँ पे लिख दो n = 10 इज इवन। ये मैं मीडियन के लिए करवा रहा हूँ,
ये मीन तो हमने यहाँ तक कर लिया, ये n इक्वल टू 10 इज इवन, इवन है तो मीडियन जो होगी हमारी मीन ऑफ 10 बाई 12th एंड 10 बाई 2 प्लस 1th टर्म। मीन क्या था, यहां मैंने जितनी भी नंबर ऑफ टर्म होती है, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म है उनको ऐड कर दो, बाय में उन नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर दो, यहां क्या होगी 2 ही होगी, नॉर्मल सी बात है 2 से डिवाइड कर देंगे मीन इनका। तो क्या हुआ, मीन ऑफ 5th एंड 5 प्लस 1 6th टर्म, एक ज्यादा आएगी नॉर्मल सी बात है 6th टर्म, 5th और 6th टर्म का मीन, 5th और 6th टर्म का मीन जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, जो हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा उसमें 5th और 6th टर्म 1 2 3 4 5 6 दोनों के अंदर 3 है, तो मीन क्या होएगा, 5th टर्म प्लस 6th टर्म, दो ही टर्म है तो 2 से डिवाइड कर दो, 3 प्लस 3 6 6 बाय 2 3, मीडियन क्या है 3, मीन क्या है 2.8। अब मोड क्या है, मोड बहुत सिंपल, सबसे सिंपल मोड है बेटा, मोड क्या होता है जिसमें नंबर ऑफ गोल सबसे ज़्यादा बार हुआ, नंबर ऑफ गोल क्या है, देखिए 0 1 टाइम है, 1 1 टाइम है, 2 1 टाइम है, 3 1 2 3 4 ये 4 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो 3 जो मैक्सिमम टाइम्स मिलेंगे आपको, जो जितनी ज़्यादा बार मिलेंगी, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा मिलेगी वो मोड है, तो मोड क्या हुआ 3, क्योंकि 3 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है तो ये मोड होगा। मीन क्या है, मोड क्या है, मीडियन क्या है, ये मैंने आपको बताया। अब हम एक सेकंड क्वेश्चन और देखते हैं, इन मैथमेटिक्स टेस्ट गिवन टू 15 स्टूडेंट द फ्लोइंग मार्क्स आउट ऑफ 100 आर रिकॉर्डेड, फाइंड द मीन मीडियन मोड। अब सेकंड क्वेश्चन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपको, तो मीन मीडियन मोड निकालना है, तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए बेटा क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहता है 41 39 48 52 46 62 54 40 96 52 98 40 42 52 60। सबसे पहले किसमें बताया, असेंडिंग ऑर्डर में, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, तो राइट करेंगे सबसे पहले, सबसे छोटा देखो क्या है, इसमें चेक करेंगे तभी पता लगेगा, अभी तक तो 40 आया है, 39 उसके बाद 40 2 टाइम, फिर 41 1 टाइम, फिर 42 भी है, 42 के बाद 46 48 के बाद 52 3 टाइम्स, उसके बाद 52 के बाद 54 के बाद बेटा 60 के बाद 62 के बाद 96 98, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ही है ना, हाँ 15 स्टूडेंट है। तो मीन मीडियन मोड निकालना है, मीन निकालना है, तो मीन क्या होएगा, इनको प्लस में लिख दोगे, जैसे ये लिखा था, मैं अभी ये नहीं लिख रहा, मैं प्लस कर रहा हूँ डायरेक्ट, 9 10 12 18 26 28 30 32 36 38 44 52, 5 plus 3 8 12 16 20 24 28 plus 4 32 37 42 47 52 58 64
73 और 9 82 बाय में 15 डिवाइड करो 15 फाइव से 75 15 फोर जा 60 15 एट जा यानी 54.8 आएगा। मीडियन निकालना है तो एन एन क्या है 15 तो ये क्या है इज ऑड तो मीडियन क्या होएगी मीडियन नॉर्मल सी बात है क्या होएगी मीडियन क्या होएगी 1/2 एन क्या है 15 15+1/2 एट टर्म यानी कि 16 यानी कि 8 टर्म क्या है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट्थ 52 क्या है हमारे पास 52 ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसीलिए लिखते हैं इनके लिए मोड मोड में देखो सबसे ज़्यादा बार क्या आ रहा है ये 1 ये 2 टाइम ये 1 ये 1 ये 1 ये 1 1 2 3 थ्री टाइम 52 है तो मोड क्या आया बेटा 52 मोड क्या आया 52 तो आपको मीन मीडियन मोड क्लियर हो गया होगा बच्चों मीन क्या है मीडियन क्या है मोड क्या है ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं मीन मीडियन मोड के बारे में क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलते हैं हम ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए मीन क्या है मीडियन क्या है मोड क्या है ये आपको बता दिया गया थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे बेटा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लिया करो कि ताकि बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े और काम अपना बेटा साथ के साथ किया करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड द फ्लोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन पहले ही आपको असेंडिंग ऑर्डर में दे रखे हैं क्या दे रखे हैं 29, 32, 48, 50, x + 2 यानी कि इससे ज़्यादा ही आएगा x की वैल्यू 72, 78, 84, 95 द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हैव बीन अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इफ द मीडियन ऑफ द डाटा इज 63 मीडियन क्या है हमारे पास 63 मीडियन क्या दे रखी है 63 क्वेश्चन नंबर थर्ड मीडियन है आपके पास 63 नंबर ऑफ टर्म गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इवन एन इक्वल टू क्या बेटा 10 इज इवन तो मैंने आपको मीडियन क्या बताया था मीडियन आपको बताया था मैंने मीडियन इक्वल टू एन बाय मीन ऑफ इवन में मीन ऑफ एन बाय 2th एंड एन बाय 2+1th टर्म ठीक है। तो क्या बना एन क्या है 10 10 यानी कि मीन क्या बना बेटा 5th and 6th टर्म फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स दोनों टर्म का मीन निकालना है दो ही टर्म है x + x + 2/2 तो 2x + 2/2 यानी कि 2 क्या ले लिया हमने कॉमन x + 1/2 2 से 2 कैंसिल तो इक्वल टू क्या आ गया x + 1 तो x + 1 मीडियन दे रखा है बेटा मीडियन किसके इक्वल है 63 के यानी कि x + 1 यहाँ से तो मीडियन निकाला हमने इस स्टेटमेंट से तो x + 1 लेकिन मीडियन गिवन है क्या मीडियन आपको गिवन है 63 तो x + 1 = 63 तो x = 63 - 1 यानी कि 62 हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी तो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली क्योंकि दोबारा देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले गिवन है असेंडिंग में नहीं है तो हम सबसे पहले असेंडिंग में लिखते हैं तो आपको नंबर ऑफ टर्म मीडियन गिवन 63 नंबर ऑफ टर्म हमने निकाली बेटा नंबर ऑफ टर्म हमारे पास बनी 10 नंबर ऑफ टर्म बनी हमारे पास 10 नंबर ऑफ टर्म 10 है वो क्या है इवन इवन है तो मैंने आपको क्या बताया था मीडियन निकालने का फार्मूला मीन ऑफ एन बाय 2th यानी कि जो नंबर ऑफ टर्म होती है उसको 2 से डिवाइड करो और नेक्स्ट उससे एक ऐड करो उनका मीन होता है तो ये दो ही टर्म हमारे पास फिफ्थ और सिक्स टर्म इसमें हमने चेक की उन दोनों का सम किया बाय में 2 किया तो हमारे पास ये आ जाती है तो इससे हमने क्या निकाल दी x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो आज का काम बेटा आपका इतना ही है थर्ड ये 3 क्वेश्चन रहते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू बच्चों।